बच्चों, कल हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, अभी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। मेन जो ये चैप्टर है, चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे। सो मतलब रिप्रोडक्शन हमारा टॉपिक है, हम पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, फीमेल पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, जबकि हमारा टॉपिक तो ऑर्गेनिज्म का मतलब बच्चा जन्म कैसे लेगा, हमको वो पढ़ना है। और हम पढ़ रहे हैं भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम पढ़ रहे हैं फीमेल क्यों, क्योंकि इनके ही सेक्सुअल इंटरकोर्स से या इनके ही पॉपुलेशन से जो है वो बेबी बॉर्न होने वाला है। सो इसीलिए हमने कल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, आज हम फीमेल पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो फिगर है ये आपकी बोर्ड पे बनी हुई है। सो दिस इज, ये है फिगर आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। देखो दो ओवरीज हैं, ये एक और ये दो ओवरीज हैं, और इसे ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये ओविडक्ट है, फैलोपियन ट्यूब जैसा है, और इनके मिलने से ये यूट्रस जैसा, ये प्लास्टिक बैग, देखो यहाँ प्लास्टिक बैग जैसा है, इलास्टिक बैग जैसा ये यूट्रस है, ये वॉल है यूट्रस। और यहाँ ये जो यूट्रस जो है ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ये यूट्रस के अंदर है फैलोपियन ट्यूब ये रहा। और ये फैलोपियन ट्यूब की जो ओपनिंग है वो है सर्विक्स, ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये है सर्विक्स, और ये जो वेजाइना है ये एक्सटर्नल पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। सो यहाँ से ही स्पर्म एंटर होगा, ठीक है। देखो फीमेल जो रिप्रोडक्शन होना है कैसे होगा, जब स्पर्म और ओवम फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनेगा। स्पर्म क्या है, स्पर्म है मेल गैमेट या मेल जर्म सेल। ओवम क्या है, ओवम है फीमेल गैमेट या फीमेल जर्म सेल, या इसे एग सेल भी कहते हैं, ठीक है। सो ओवम क्या है, ओवम फीमेल जर्म सेल, फीमेल गैमेट या एग सेल को भी ओवम कहा जाता है, ठीक है। सो जब स्पर्म और ओवम मिलेंगे तो जायगॉट बनेगा, तो ही बेबी बॉर्न होगा, ठीक है। सो अभी यहाँ देखो, हमें अभी ओवम कहाँ है, ये जो एग सेल है ये ओवम है कहाँ है वो पढ़ना है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सो जब एक बेबी गर्ल बॉर्न होती है, जब एक बेबी गर्ल बॉर्न होती है उसी टाइम उसकी ओवरीज में थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग सेल्स होते हैं, उसी टाइम उसके ओवरीज में थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उसी टाइम होते हैं। और जब वो बेबी गर्ल प्यूबर्टी की एज में, जब वो टीन एज की एज में कदम रखती है, तो धीरे धीरे वो जो इमेच्योर एग सेल्स हैं मैच्योर होने लगते हैं। सो दे स्टार्ट मैच्योरिंग एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। ये एक्सेल्स को फीमेल गैमेट्स भी कहते हैं, फीमेल जर्म सेल्स भी कहते हैं, ओवम भी कहते हैं। सो यहाँ इसके चार नाम है, आप ध्यान रखना। ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ओवरीज में, ओवरी दो हैं, जैसे टेस्टिस भी दो थे, पेयर ऑफ टेस्टिस थे। हम टेस्टिस में कल जो हमने मेल पढ़ा, टीईएसटीईएस, जब आप टीईएसटीईएस प्लूरल हुआ, ठीक है। सो टेस्टिस का प्लूरल टीईएसटीईएस, टेस्टिस प्लूरल होता है, और जब आप सिर्फ टीईएसटीईएस लिखते हो सिंगुलर, एक टेस्टिस हुआ। तो ओवरीज, जो पेयर ऑफ ओवरीज है वहां पे थाउजेंड ऑफ एक्सेल्स, इमेच्योर एक्सेल्स होते हैं। प्यूबर्टी के टाइम वो एक एक करके रिलीज होते हैं हर महीने, ठीक है। सो ओवरी का एक फंक्शन तो आपने देख लिया, इज द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेल्स। जो फीमेल जर्म सेल है, जो फीमेल गैमेट्स है, कौन प्रोड्यूस करता है, ओवरी। ओवरी का एक और फंक्शन है, ये आता है एग्जाम में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओवरीज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो पहला तो मैंने आपका बता दिया, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल जर्म सेल्स या फीमेल गैमेट्स या ओवम। दूसरा फंक्शन इसका है, इज द प्रोडक्शन ऑफ, इज द सीक्रेशन ऑफ हार्मोन
एगेस्ट्रॉन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दो हॉर्मोन्स भी रिलीज करती है जो कि फीमेल्स में प्यूबर्टी के दौरान सेक्सुअल चेंजेस जो कहते हैं ना सेकेंडरी कैरेक्टर्स जो वो करती हैं डेवलप, ठीक है। सो ये दो हॉर्मोन्स भी रिलीज करती हैं। सो एग्जाम में कई बार ये आता है कि फंक्शन ऑफ ओवरीज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओवरीज, ठीक है। सो ये जैसे पहले ये दो लाइनें हैं, ये आपकी फंक्शन ऑफ ओवरीज ही है, फंक्शन ऑफ ओवरीज। अब आप ध्यान से देखो, सो द फीमेल जर्म सेल्स और एग्स आर मेड इन द ओवरीज। फीमेल जर्म सेल्स, देखो द फीमेल जर्म सेल्स और एग्स आर मेड इन द ओवरीज। जो फीमेल जर्म सेल्स या एग्स हैं वो कहाँ बनते हैं, ओवरीज में बनते हैं। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हॉर्मोन्स, और ये कुछ हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। When a girl is born, the ovaries already contain thousands of immature eggs. जब एक लड़की पैदा होती है तो ओवरी में ऑलरेडी हजारों इमेच्योर एग्स होते हैं। अच्छा, मैंने ये बात पहले ही आपसे कर ली। सो फंक्शन ऑफ ओवरीज में आपको ये दो चीजें लिखोगे कि ओवरीज मेक फीमेल जर्म सेल्स और ओवरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स एगेस्ट्रॉन और प्रोजेस्टेरॉन, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में जरूरी है फीमेल्स में। ये चीज आपको स्टैंडर्ड 8th में आ चुकी है। सो ओवरीज के दो फंक्शन। अच्छा, अब जब लड़की पैदा ही होती है तो ओवरीज के पास ऑलरेडी थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ दी स्टार्ट मैच्योरिंग, और जैसे जैसे लड़की प्यूबर्टी में कदम रखती है एग सेल्स, ये जो एग्स हैं वो मैच्योर होना चालू हो जाते हैं। वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। अब एक एक महीने में एक एक ओवरी एक एक सेल भेजेगी। देखो यहाँ पे ओवरी में एग है, सो यहाँ बहुत सारे एग्स है, तो हर महीने वो एक एक इस फेलोपियन ट्यूब के पास भेजेगी। एक महीने यहाँ से भेजेगी, एक महीने यहाँ से, एक महीने यहाँ से, तो ऐसे एक एक करके ओवरी हर महीने अलग अलग, मतलब अलग अलग ओवरी एक एक महीने में एक एक एग सेल फेलोपियन ट्यूब के पास भेजती है, ठीक है। सो द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वॉम्ब थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। ये जो ओविडक्ट कहते हैं, ये फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, मतलब ये जो पाइप है, ये जो डक्ट का मतलब ट्यूब होता है, डक्ट का मतलब ट्यूब, और ये ट्यूब क्योंकि ओवरी से जुड़ा हुआ है, सो ओविडक्ट ट्यूब, ओविडक्ट, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। सो वो हर महीने एक एक एग से यहाँ भेजती है या तो यहाँ से भेजती है। कहाँ भेजती है वो फ्रॉम द ओवरी टू द वॉम्ब, कहाँ, या वॉम्ब में इसको भेजना होता है, यहाँ इसको भेजना होता है। वॉम्ब मतलब यूट्रस भी बोल सकते हो, वो वॉम्ब में भेजती है अपना, गर्भ में, ठीक है, यूट्रस भी बोल सकते हो। सो वॉम्ब में भेजती है अपना एग हर महीने ओवरी। ये मतलब रेगुलर लड़कियों में ऐसा होता है, ठीक है, जैसे हम, मतलब आप लोग हैं, ठीक है, मतलब टीनेज में जो भी लड़कियां हैं उनमें ऐसा ही होता है, हर महीने जो ओवरी है वो अपना जो एग सेल है वो वॉम्ब की तरफ भेजती है, हर महीने एक एक ओवरी भेजती है, ठीक है। द टू ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूट्रस, और ये जो ओविडक्ट्स हैं, ये जो इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर है यूट्रस में, यहाँ आके ये यूनाइट होते हैं, यूट्रस में ही ये जो फेलोपियन ट्यूब है ये आके यूनाइट होता है। द यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू सर्विक्स, और ये यूट्रस की ओपनिंग कहाँ है, वेजाइना में। यूट्रस कहाँ खुलता है, वेजाइना में खुलता है और सर्विक्स के थ्रू खुलता है। यूट्रस वेजाइना में खुलता है और सर्विक्स के थ्रू खुलता है, ठीक है। सो ये सारे आपके हो गए फीमेल पार्ट्स। फीमेल पार्ट्स में आपने समझा जो ओवरीज है, ठीक है, जो ओवरीज है वो है ठीक है। सो जो ओवरीज है हर महीने एग सेल्स प्रोड्यूस कर रही है, और ओवरीज का काम हार्मोन्स प्रोड्यूस करना भी है, और एग्स जो हैं बारी बारी से एक एक से होके एक एक ओविडक्ट पे आ रहे हैं और वो वॉम्ब में जा रहे हैं, ठीक है, वॉम्ब की तरफ जा रहे हैं एग सेल्स, और ये हर महीने होता है। और दूसरा, ये जो यूट्रस एक इलास्टिक बैग की तरह है, उसी में ही दोनों फेलोपियन ट्यूब मिल रहे हैं,
और उनके मिलने को सर्विक्स कह रहे हैं। और ये सर्विक्स जो उसकी ओपनिंग है वो वजाइना में है, ठीक है। सो इस तरह से ये सारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो हमने फीमेल पार्ट्स पढ़ लिए कि भाई फेलोपियन ट्यूब क्या है, ओविडक्ट है जिसके जरिए जो है वो एक्सेल वॉम्ब में जा रहा है, उसके थ्रू ही एक्सेल वॉम्ब में जा रहा है। यूट्रस क्या है, यूट्रस एक इलास्टिक बैग है जिसमें फेलोपियन ट्यूब्स मिल रहे हैं, ठीक है। और सर्विक्स क्या है, सर्विक्स है जो फेलोपियन ट्यूब्स जहां मिल रहे हैं वो पॉइंट है सर्विक्स, और सर्विक्स ओपन होती है वजाइना में, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब फीमेल में ये पार्ट्स होते हैं। अब एग्जैक्टली होता क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता क्या है, तो शॉर्ट में मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि स्पर्म प्लस ओवम इज इक्वल टू जायगॉट, ठीक है। मतलब जब स्पर्म और ओवम मिलेगा तो ही जायगॉट बनेगा, तो ही मतलब जो वो जो छोटी सी ननी सी जान है उस वो पैदा मतलब उसमें एक स्टार्टिंग होगी, ठीक है। सो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब देखें जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है बिटवीन मेल एंड फीमेल, तो द स्पर्म्स एंटर थ्रू द वजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, हमने कल पढ़े थे टेस्टिस में, और जैसे ही मतलब ये कॉपुलेशन होने वाला है उसी टाइम बिल्कुल फ्रेश मिलियन ऑफ स्पर्म्स जनरेट होते हैं टेस्टिस में, उसी टाइम मिलियन ऑफ स्पर्म्स जनरेट होते हैं जब ये सेक्सुअल इंटरकोर्स होने पे होता है, ठीक है। सो मिलियन ऑफ स्पर्म्स मतलब कोशिश करते हैं वेजाइना में एकदम एंटर होने की। सो द स्पर्म्स एंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो यहाँ पे जो मेल का टेस्टिस है, सो यहाँ से उसका स्पर्म, क्योंकि वो अभी इंटरकोर्स की वजह से अभी फ्रेश स्पर्म्स जो मिलियन स्पर्म्स बने हैं वो यहाँ वेजाइना से होके यहाँ सर्विक्स से यहाँ वो स्पर्म एंटर होंगे। सो यहाँ स्पर्म एंटर हुए, दे ट्रेवल अपवर्ड्स एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे मे एनकाउंटर द एग। अब वो क्या करेंगे, अब ये जो स्पर्म्स हैं, ठीक है, सो स्पर्म्स वो मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये स्पर्म है जो यहाँ वेजाइना से एंटर हुआ है, ठीक है, यहाँ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, यहाँ पीनस होगा, ठीक है। सो यहाँ इंटरकोर्स हो गया, ये स्पर्म अब सीधा कहाँ जाएगा, क्योंकि इसके पास टेल है तो ये ट्रैवल करते करते बहुत सारे स्पर्म्स, एक नहीं बहुत सारे स्पर्म्स, दे ट्रैवल अपवर्ड्स एंड रीच द ओविडक्ट। और कहाँ वो रीच करेंगे, ओविडक्ट में, क्यों, क्योंकि ओवरी ने भी एग सेल ओविडक्ट के पास भेजा है, ओवरी ने अपना एक एग ओविडक्ट को दिया है कि भाई तू आगे ले जाओ वॉम्ब के पास, और उसी टाइम ये स्पर्म आ रहा है, और स्पर्म यहाँ पे एग है, ठीक है, यहाँ एग सेल है, और स्पर्म यहाँ पे ऐसे स्पर्म ऊपर की तरफ आते आते ओविडक्ट के पास जाता है, ठीक है, यहाँ स्पर्म ऊपर की तरफ जाते जाते ओविडक्ट के पास जाता है। अब बहुत सारे मिलियन ऑफ स्पर्म्स हैं, ठीक है, तो कुछ स्पर्म्स यहाँ जाएंगे और कुछ स्पर्म्स वहां जाएंगे, ठीक है। सो मतलब जो स्पर्म सबसे पहले पहुंचेगा और वो यहीं पहुंचेगा वही फ्यूज होगा, ठीक है, मिलियन ऑफ स्पर्म्स हैं, जो पहले पहुंचेगा एग सेल के पास वही उसके साथ फ्यूज होगा। सो जरूरी नहीं है सारे स्पर्म्स इधर जाए, कोई भी स्पर्म किधर भी जा सकता है, जो सबसे पहले जाएगा वो एग के साथ फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। जो ये एग सेल है यहाँ जो ओविडक्ट में है, ये स्पर्म वहां गया और वो उसके साथ फ्यूज हो जाएगा, फिर वेयर दे में एनकाउंटर द एग, और वहीं वो एग से मतलब वहीं एग का इनकाउंटर स्पर्म के साथ होएगा। द फर्टिलाइज एग, अब क्या हो गया, क्योंकि दोनों का एनकाउंटर हो गया, एग सेल के साथ स्पर्म मिल गया, सो उसे अब हम कहेंगे फर्टिलाइज्ड एग। पहले वो सिर्फ एग था, एग सेल था, अब वो फर्टिलाइज्ड एग हो गया, ठीक है। सो द फर्टिलाइज्ड एग, द जायगॉट, इसे जायगॉट भी कहते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली जायगॉट ही बोलते हैं हम, स्पर्म प्लस ओवम इज इक्वल टू जायगॉट, आप फर्टिलाइज्ड एग भी बोल सकते हो। सो फर्टिलाइज्ड एग द जायगॉट गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड स्टार्ट डिवाइडिंग। अब क्या होगा, ये जो यहाँ एग जो फर्टिलाइज हुआ, ठीक है, सो ये कहाँ जाके अब वापस पीछे की तरफ आएगा, देखो यहाँ नीचे की तरफ आएगा और यहाँ यूट्रस की लाइनिंग में आके इम्प्लांट हो जाएगा, इम्प्लांट मतलब यहाँ आके बैठ जाएगा, ये फर्टिलाइज एग स्पर्म से मिलके ये यूट्रस की लाइनिंग पे आके यहाँ बैठ जाएगा,
देखो ध्यान से देखो, स्पर्म एग सेल के साथ फ्यूज होने कहाँ गया, फैलोपियन ट्यूब में गया, तो दोनों मिल गए, दोनों ने जायगॉट बनाया। अब उन्हें एक जगह बैठने की जगह चाहिए, क्यों? क्योंकि भाई बेबी डेवलप जायगॉट बनने वाला है, जायगॉट बन गया है, अभी आगे डिवाइड होना है, बहुत बहुत अभी भी प्रोसेस बाकी है, ठीक है। मिल तो गए हैं, श्योर है कि भाई ऑर्गेनिज्म आने वाला है, उतना भाई थोड़ा सा श्योरिटी हो गई है। अब इनको जगह चाहिए इम्प्लांटेशन की, सो इम्प्लांटेशन मतलब इनको जगह चाहिए प्लांट होने की, भाई कहीं जाके ये पड़े, कहीं जाके वो बैठे। सो बैठने की जगह वो फिर क्या करते हैं, सो यहाँ ये लोग फिर यहाँ ये जायगॉट है, ये पीछे की तरफ आता है और यहाँ यूट्रस पे इम्प्लांट होता है, यहाँ यूट्रस पे आके इम्प्लांट होता है। The fertilized egg, the zygote gets implanted in the lining of uterus and starts dividing. अब ये यहाँ यूट्रस पे आके इम्प्लांट होता है, यूट्रस पे आके बैठता है और फिर वो डिवाइड करने लगता है, डिवाइड करता है, वो भी आपने स्टैंडर्ड 8th 9th में मियोसिस ऐसा कुछ पढ़ा था, ठीक है। सो ये जो है द फर्टिलाइज एग द जायगॉट गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड स्टार्ट्स डिवाइडिंग, इट डिवाइड्स अगेन एंड अगेन, ठीक है, क्योंकि ये सेल है, घड़ी घड़ी सेल डिविजन पढ़ा था आपने, घड़ी घड़ी डिवाइड होगा जायगॉट। हैंस द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। अब जायगॉट डिवाइड हो के क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो हो जाएगा, मतलब भाई पक्का हो गया कि भाई अब तो बेबी आएगा ही, ठीक है, मतलब जायगॉट बन गया एम्ब्रियो, ठीक है। अब थोड़ा मतलब डेवलप होने लगे पार्ट्स, बेबी के थोड़े थोड़े पार्ट्स अब डेवलप होने लगे, ठीक है। सो हैंस द यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव, अब हर महीने यूट्रस खुद को अभी देखो अब यहाँ पे वो डिवाइड करने लग जाता है और एम्ब्रियो बन जाता है, और फिर हर महीने ये जो यूट्रस है, यूट्रस पहले से अपने आप को तैयार रखता है, हर महीने यूट्रस खुद को तैयार रखता है, या यूट्रस के पास बहुत यहाँ ब्लड वेसल्स होते हैं, तो उसको ऐसे यूट्रस के मन में ऐसे होता ही है कि भाई यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा, हर महीने वो ऐसे ही सोचता है कि यहाँ इम्प्लांटेशन होगा, भाई स्पर्म और ओवम फ्यूज होके यहाँ आएंगे, यहाँ वो डिवाइड होंगे और मुझ क्योंकि एम्ब्रियो बनेगा। आपने इवन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में भी पढ़ा था एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, तो उसको कौन न्यूट्रिशन देगा, यूट्रस के वॉल्स न्यूट्रिशन देती हैं, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो उसको न्यूट्रिशन देती हैं, किसको, एम्ब्रियो को, ठीक है। सो एम्ब्रियो बदले में उसको वेस्ट देता है और उसको न्यूट्रिशन देती हैं। सो हर महीने यूट्रस खुद को तैयार करती है कि भाई मेरे पास इम्प्लांट होके एम्ब्रियो, मेरे पास इम्प्लांटेशन होगा और वो मेरे पास ही आके एम्ब्रियो बनेगा और मुझे उसको न्यूट्रिशन देना है, ठीक है। सो हर महीने यूट्रस खुद को तैयार रखती है कि यहाँ एक भाई स्पर्म और ओवम मिलके यहीं आएंगे, जायगॉट बन के आएगा और मुझे उसको हर महीने पोषण देना है, क्यों कहते हैं ना माँ भाई खून से सींचती है, तो कहाँ से, ये यूट्रस से सींचाई होती है, ठीक है, यहाँ ब्लड सेल से इसको न्यूट्रिशन ब्लड सब मिलता है, ठीक है, पोषण। सो जायगॉट एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, फिर ऐसे नहीं बोलते 3 महीने, थोड़े से भाई थोड़े पार्ट्स डेवलप चालू होने लगते हैं बेबी के, ठीक है। सो पहले जब कच्चे दिन होते, बोलते हैं ना भाई अभी शुरू में प्रेगनेंसी बैठती है किसी लेडी में, तो कहते हैं अभी कच्चे दिन है, सो तब क्या होता है, तब वो जायगॉट ही होता है, ठीक है। सो अब जब धीरे धीरे 3 महीने के बाद थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है, सो दैट बिकम्स एम्ब्रियो, अब वो एम्ब्रियो है, अब वो पोषण लेना चालू कर रहा है। सो यहाँ पे देखो द फर्टिलाइज्ड एग द जायगॉट गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग एंड स्टार्ट्स डिवाइडिंग, हेंस द यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ, तो वो यूट्रस के मन में ऐसा ही है कि भाई मुझे हर पोषण देना ही है, यहाँ एक्सेल यहाँ जायगॉट आएगा, यहाँ उसको एम्ब्रियो बनाना है, मुझे पोषण देना, तो हर महीने यूट्रस अपनी वॉल में बहुत सारे ब्लड वेसल्स इकट्ठे कर लेता है, भाई मुझे उसको पोषण देना है, ठीक है। सो हेंस द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो, कि यहाँ एम्ब्रियो आएगा और मैं उसे नर्चर करूंगा, मैं उसको पालूंगा पोसूंगा ऐसे। The lining thickens and is richly supplied with blood to nourish the growing embryo. और ये uterus है, uterus अपनी जो line है उसको thick करता जाता है. So uterus अपनी lining को thick करता है और उसमें मतलब उसके पास बहुत ज्यादा blood vessels भी आते हैं जिससे वो बढ़ते हुए embryo को पोषण दे, इतना ज्यादा blood vessels आते हैं जिससे वो growing embryo को पोषण देता है, ठीक है। सो अच्छा यहाँ एक इम्प्लांटेशन की डेफिनेशन भी बहुत आती है, सो इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, सो इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, द फर्टिलाइज्ड एग, हाँ ये इम्प्लांटेशन है,
What do you mean by implantation? Implantation क्या है? So the fertilized egg, the zygote gets implanted in the lining of uterus and starts dividing. Hence the uterus prepares itself to receive and nurture the growing embryo. So this is the definition for implantation. इम्प्लांटेशन मतलब जब ये जो जायगॉट है जाके यूट्रस पे इम्प्लांट होता है, जाके उस पे लग जाता है और फिर उसी से पोषण ले लेके वो एम्ब्रियो बनता है. ठीक है, सो ये इम्प्लांटेशन डेफिनेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बोर्ड्स में बहुत आती है. ओवरीज के क्या फंक्शन है वो आता है, और भाई फ्यूज कहाँ होते हैं, स्पर्म और ओम कहाँ फ्यूज होते हैं, वो फ्यूज होते हैं या ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब में फ्यूज होते हैं, वहीं उनका मिलन होता है. और फिर एक्सेल्स कहाँ बनते हैं, यूट्रस एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, फैलोपियन ट्यूब की जो कहाँ मिलते हैं, सो सर्विक्स पे मिलते हैं. ठीक है, उनकी ओपनिंग को वेजाइना कहते हैं. सो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, सो इसमें यहाँ देखो अब फिलहाल क्या हुआ, बेबी आया, यहाँ बेबी आया और वो इससे पोषण ले रहा है. यूट्रस की वॉल थिक हो गई, एकदम थिक जाड़ी वॉल हो गई, वो अब उसको ब्लड से पोषा रही है, मतलब वो उसको पोषण दे रही है. तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और एम्ब्रियो बना. ठीक है, सो ये आपको एम्ब्रियो बन गया. ठीक है, सो अब एम्ब्रियो से बेबी बनेगा. कैसे बन, तो अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट वर्ड है प्लेसेंटा. ठीक है, अभी इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन मतलब पक्का हो गया, अभी बेबी आएगा वो पक्का हो गया और वो यूट्रस पे यूट्रस की लाइनिंग पे जाके एम्ब्रियो जायगोट डिवाइड हो रहा है, एम्ब्रियो बना है, एम्ब्रियो पोषण ले रहा है. किससे ले रहा है, यूट्रस से. यूट्रस की वॉल थिक होती जा रही है ब्लड से और वो ब्लड वेसल्स उसको न्यूट्रिशन सब दे रही है. ठीक है, सो अब क्या होगा, सो अगर आपको अभी देखो इसमें एक फंक्शन वाली चीज आपको इम्पोर्टेंट है, वो फंक्शन क्या है, इसके बाद हर पार्ट का फंक्शन आपको पता होना चाहिए. ठीक है, फंक्शन ऑफ ओवरीज पता होनी चाहिए, हर पार्ट का फंक्शन क्या है वो कैसा है वो पता होना चाहिए, ये इम्प्लांटेशन और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, अभी हम देखते हैं आगे. बच्चों अभी हमने क्या देखा कि भाई साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे स्पर्म और ओवम मिले. साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ यहाँ पे ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब पे. सो यहाँ पे एग्जैक्टली यही फर्टिलाइजेशन हुआ, यही जो है स्पर्म और ओवम ने मिलके क्या बनाया, जायगॉट. और फिर जायगॉट होने लगा डिवाइड, और डिवाइड हो कि उसने क्या बना दिया, एम्ब्रियो. एम्ब्रियो फिर कहाँ जाके प्लेस हुआ, वो कहाँ जाके प्लेस हुआ, एम्बेड कहाँ जाके हुआ, यहाँ यूट्रस में जाके वो एम्बेड हो गया, वहां जाके वो बैठ गया. अब यूट्रस में वो बैठा, अब वो उससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो से बनेगा फिटस और फिटस से होगा बेबी. ठीक है, सो इस तरह से ये इस तरह से चलेगा. अब यहाँ पे ये एम्ब्रियो है, अब एम्ब्रियो को पोषण चाहिए, एम्ब्रियो लाइफलेस है, उसके अंदर कुछ नहीं है फिलहाल, मतलब ब्रीद नहीं कर सकता है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो मतलब लाइफलेस नहीं कह रही हूं मैं, पर मतलब वो अभी ब्रीद नहीं कर पा रहा है, उसके पास न्यूट्रिएंट्स नहीं, तो उसको कहाँ से ये सब मिलेगा, तो उसको यहाँ पे ये जो यूट्रस की वॉल है यहाँ पे एक प्लेसेंटा होता है, यहाँ पे एक डिस्क शेप ऐसा प्लेसेंटा होता है. ठीक है, सो ये प्लेसेंटा होता है इस तरह से, और यहाँ बेबी, यहाँ ये है एम्ब्रियो होता है, ये होता है एम्ब्रियो. सो यहाँ ये मदर का यूट्रस है, ये मदर का यूट्रस है, ये प्लेसेंटा है और ये है एम्ब्रियो. अब यहाँ देखो ये यूट्रस यहाँ पे मतलब मदर के यहाँ इस साइड ब्लड स्पेसेस है, मतलब ब्लड वगैरह सब कुछ है जिसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है. ठीक है, और यहाँ जो ये इस साइड मदर की साइड यहाँ ब्लड है प्लेसेंटा में, और इस साइड विलाई है, विलाई आप पढ़ चुके हो, विलाई ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन की. सो इस विलाई से ये जो ब्लड है ये यहाँ जाएगा एम्ब्रियो के पास,
ब्लड में क्या क्या जाएगा, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन, क्योंकि एम्ब्रियो को डेवलप होना है इनटू अ फीटस, फीटस से बनेगा बेबी, ठीक है। सो यहाँ पे वो फीटस में ये सब वो पोषण लेता है पूरा, ठीक है, सारा पोषण ले रहा है वो, न्यूट्रिएंट्स ले रहा है कहाँ से, ब्लड से, उसको ब्लड मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ले रहा है वहां से। और सामने जो वो सब लेने के बाद वो जो फीटस के अंदर जो कचरा वगैरह वेस्ट होता है वो उसी रास्ते से वापस भेजता है किसके पास, ये यूट्रस में भेजता है, मतलब डिस्क को वापस देता है और वो मदर्स ब्लड में जाता है वो कचरा, ठीक है। मतलब क्योंकि वो तो मतलब ब्लड में तो फिर तो सिस्टम है ना, अंदर शरीर में तो हमारा सिस्टम है कचरा साफ करने का। सो अब वो सामने पोषण न्यूट्रिएंट्स लेता है और वेस्ट वापस भेजता है, मतलब विलाय क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है और ब्लड स्पेसेस होते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली क्या होता है। यहाँ देखो एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, ये देखो ये अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है, यहाँ बेबी है और ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये डिस्क है और ये यूट्रस है। सो इस अम्बिलिकल कॉर्ड, ये आपको पता है नाड़ काटी जाती है बच्चे की, नाड़ जब उसको अलग करना होता है नाड़ काटते हैं, सो इसी नाड़ से ही सारा पोषण जाता है अंदर बच्चे के पास, ठीक है भाई। मतलब माँ के शरीर से पोषण इसी नाड़ से बच्चे के पास जाता है, ठीक है। सो मतलब ब्लड स्पेसेस मदर के पास क्या है, मदर के साइड, मतलब ये जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा का बहुत बड़ा रोल है। तो देखो प्लेसेंटा डिस्क शेप है और ये ये यूट्रस है, ये किस पे है, यूट्रस पे है। सो इस साइड ब्लड स्पेसेस हैं, ब्लड स्पेसेस हैं, और इस साइड जहाँ पे ये एम्ब्रियो है यहाँ पे विलाई है। तो ये क्या करता है, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन सब मिले एम्ब्रियो को, और फिर बदले में ये वेस्ट यहाँ वापस भेजता है, ठीक है, मदर को वापस देता है वेस्ट। और एम्ब्रियो इस फिर वो किस में डेवलप हो जाता है, फीटस में, और फिर 9 मंथ्स का पीरियड रहता है उसमें वो बेबी में डेवलप होता है। इस 9 मंथ्स के पीरियड को जेस्टेशन पीरियड, GESTATION, जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, जब बेबी डेवलप होता है। इसके बाद फिर मदर को जब 9 महीने अप्रोक्स हो जाते हैं फिर क्या होता है, तो ये जो यहाँ एकदम ही कंट्रैक्शन होते हैं, फिर यहाँ यूट्रस में एकदम कंट्रैक्शन होने लगते हैं मसल्स में, और फिर बेबी वजाइना से बाहर आ जाता है और फिर अम्बिलिकल कॉर्ड काट दिया जाता है, ठीक है। सो मतलब इस तरह से बेबी, अच्छा इसमें देखो प्लेसेंटा का बहुत बड़ा रोल है, मतलब बेबी को जो एम्ब्रियो था, ठीक है, यहाँ जायगॉट बना, जायगॉट डिवाइड हुआ, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो यहाँ के प्लेस हुआ। सो जब ये यहाँ के प्लेस हुआ तो जब ये आया तो उसको पोषण किसने दिया, प्लेसेंटा ने। सो इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक में, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा बहुत पूछते हैं कि प्लेसेंटा क्या है। सो यहाँ हम देखते हैं प्लेसेंटा क्या है, यहाँ ज्यादा डिटेल में समझाया है, ठीक है। सो द प्लेसेंटा, द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक स्पेशल तरह का टिश्यू है, यहाँ ये जो प्लेसेंटा है जो डिस्क शेप्ड है वो एक तरह का टिश्यू है। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड, और इस एम्ब्रियो को माँ के खून से न्यूट्रिशन मिल रहा है इसी स्पेशल टिश्यू जिसका नाम है प्लेसेंटा, इसकी मदद से। दिस टिश्यू, दिस इज अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल, और ये डिस्क यहाँ यूट्राइन की वॉल, मतलब यूटरस की वॉल, यूट्राइन वॉल वर्ड यूज किया गया पर एक्चुअली यूटरस वॉल, यूट्राइन वॉल, ठीक है। सो ये यूटरस की वॉल पे ये ऐसे डिस्क की तरह है, कौन, प्लेसेंटा। इसके पास क्या है, इट कंटेन्स, प्लेसेंटा कंटेन्स विलाय ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू। सो यहाँ क्या है, विलाय है, ठीक है, इसके एक साइड पे विलाय है और मदर साइड जो माँ का साइड है, यूट्रस का साइड है, वहां ब्लड स्पेसेस है, ठीक है, विच सराउंड द विलाय, जो विलाय को सराउंड करते हैं। दिस प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया, विलाय आपको पता है, आपने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा था कि सरफेस एरिया बढ़ाता है, ज्यादा ज्यादा भाई, ज्यादा ज्यादा ब्लड आ पाए, ठीक है। सो दिस प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया, विलाय, विलाय का फंक्शन है, विलाय का फंक्शन आया प्लेसेंटा में, तो आप ये लिख सकते हो कि भाई वो सरफेस एरिया बढ़ाता है। सो विलाय प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया
फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है, जो ब्लड में ग्लूकोज ऑक्सीजन सारे जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे टू पास फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो, ठीक है, मदर से एम्ब्रियो के पास जाते हैं. द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेस विच कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग दैम इन टू द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा. और ये जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो जो अपने सारे वेस्ट है वो इसी ब्लड से वापस भेजेगा, ठीक है. द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेस, वो वेस्ट सब्सटेंस जो भी जनरेट करेगा वो उसे मदर्स ब्लड में भेजेगा प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है. द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी, और ये जो माँ के शरीर में जो चाइल्ड डेवलप होता है अप्रोक्स 9 महीने लेता है, और फिर इन्हीं रिदमिक कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन होती हैं और फिर चाइल्ड बाहर आता है. सो यहाँ मैंने जो अभी समझाया उसमें मैंने प्लेसेंटा के बारे में बहुत बोला और बहुत जोर दे के बोला. प्लेसेंटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. मैं एक बार फिर से आपको क्लियर करती हूँ. देखो, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है माँ के खून से, किसकी मदद से, एक स्पेशल टिश्यू की मदद से जिसका नाम है प्लेसेंटा. और ये प्लेसेंटा क्या है, ये एक डिस्क की तरह होता है, एक मून शेप डिस्क की तरह होता है जो कि यूट्रेन वॉल में एम्बेडेड है. उसमें एम्बेड मतलब उसमें कहते हैं ना धसा हुआ है, ठीक है. और इसके पास क्या है, इसके पास विलाई है, ठीक है. इट कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू. यूट्राइन, अच्छा यूट्राइन वॉल के पास क्या है, विलाई है. सो यूट्राइन वॉल में क्या होता है, विलाई है जो एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू है, और मदर साइड में ब्लड स्पेसेस है, ठीक है. यूट्राइन वॉल में विलाई है जो कि एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू मतलब प्लेसेंटा के साइड विलाई है, और माँ के साइड यूट्रस में क्या है, ब्लड स्पेसेस है. सो इससे मतलब ये जो ब्लड स्पेसेस है वो पूरा विलाई को घेर लेते हैं, और इसी से ही जो है मतलब एक बड़ा मतलब आराम से जो ग्लूकोज न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन सारा माँ के खून में माँ के खून से एम्ब्रियो के पास पहुंचता है. और जो एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा है, ठीक है, डिवाइड हो रहा है, वो अपना वेस्ट सब्सटेंस वो वापस मदर ब्लड में इसी प्लेसेंटा के मतलब प्लेसेंटा स्पेस देता है. प्लेसेंटा में मतलब यूट्रस में विलाए होते हैं जो प्लेसेंटा की जो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, और वहीं से सारा आदान प्रदान होता है, ठीक है. मदर्स ब्लड से न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज ऑक्सीजन वो सारा जाता है एम्ब्रियो के पास जो एम्ब्रियो डिवाइड हो रहा है ग्रोइंग एम्ब्रियो के पास, और एम्ब्रियो जो अपना वेस्ट है इसी प्लेसेंटा के थ्रू मदर्स ब्लड में जाने देता है, ठीक है. सो प्लेसेंटा से ही ये सब होता है, ठीक है. सो ऑन द मदर साइड आर ब्लड विच सराउंड द विलाई, दिस प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर्स ब्लड. द डेवलपिंग विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट विच कैन बी रिमूव बाय ट्रांसफरिंग दैम इन टू मदर्स बॉडी थ्रू प्लेसेंटा. द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इन साइड द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रोक्सिमेट 9 months, जिसे जेस्टेशन पीरियड कहते हैं. चाइल्ड इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल इन द न्यूट्रिशन इन द यूट्रस, मतलब यूट्रस फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा. सो उसी मतलब बच्चा नीचे आएगा, खसक के नीचे आता जाएगा और फिर बेबी बॉर्न हो जाएगा, ठीक है. सो ये खास यहाँ पे प्लेसेंटा आपको यहाँ से आपका यहाँ तक प्लेसेंटा है. शॉर्ट में भी अभी बीच में क्वेश्चन आएगा पर प्लेसेंटा आए तो आपको ये इतना सारा लिखना पड़ेगा, ठीक है. सो ये पूरा प्लेसेंटा का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है. कि भाई वो विलाई और ब्लड स्पेसिस विलाई होता है वो एरिया बढ़ाता है जिससे ब्लड आराम से ट्रांसफर हो पाए, ठीक है. शरीर वैसे तो शॉर्ट में अम्बिलिकल कॉर्ड भी लिख सकते हो, ठीक है. ये सब बीच में ना लिखना हो ना, ठीक है. सो मतलब ये सब ना लिखना हो इन द यूट्राइन वॉल. सो मतलब ये जो ब्लड से जो पोषण है, ठीक है. सो द न्यूट्रिशन फ्रॉम ब्लड कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज पास फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है. बट आपके टेक्स्ट में जैसे लिखा है आप वैसा ही लिखो. कैसे लिखोगे, आपके टेक्स्ट में इन्होंने लिखा है कि भाई विलाई है, भाई विलाई होते हैं, विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनसे भाई जितना भी ज्यादा से ज्यादा ब्लड माँ के शरीर से उसके पास जो है मतलब ट्रांसफर हो एम्ब्रियो के पास,
ठीक है, मदर साइड आर ब्लड स्पेसेस विच अराउंड द विलाय, और ब्लड स्पेसेस होते हैं जो विलाय को एकदम घेर लेते हैं, और इससे जो है इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन के लिए जो मदर से एम्ब्रियो के पास जाता है। ठीक है, सो एम्ब्रियो वेस्ट सब्सटेंसेस जनरेट करता है जो वापस ब्लड में जाता है, ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू, और फिर चाइल्ड डेवलप होता है। सो दिस वाज अ टॉपिक, मैंने इसमें प्लेसेंटा पे बहुत भार दिया है, सो जस्ट गो थ्रू इट वेरी वेल। ठीक है, चलें आगे करते हैं। बच्चों अभी अभी हमने प्लेसेंटा का रोल देखा कि भाई क्या रोल है, किस तरह से बेबी डेवलप होता है और किस तरह से भाई यूट्रस की वॉल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो फिर बेबी बाहर निकलता है मदर के शरीर से। सो मतलब प्लेसेंटा का तो रोल मैंने आपको घड़ी घड़ी बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा एम्बेड होता है यूट्राइन वॉल पे और डिस्क लाइक डिस्क शेप्ड होता है, उसमें विलाय होते हैं, प्लेसेंटा में होते हैं विलाय। किसके लिए? क्योंकि मदर के साइड होता है मदर्स ब्लड। ठीक है, मदर का जो मदर्स ब्लड है उसकी सरफेस एरिया बढ़ाता है कि ज्यादा से ज्यादा प्लेसेंटा के थ्रू जो पोषण है वो एम्ब्रियो के पास जाए। ठीक है, सो प्लेसेंटा के जो विलाय हैं यही सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं, और जो प्लेसेंटा है उसी के थ्रू एक्सचेंज होता है मदर के शरीर से न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ग्लूकोज। ठीक है, सो ये सब जाता है ब्लड, ये सब जाता है जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो के पास, और एम्ब्रियो का जो वेस्ट होता है ऑक्सीजन वगैरह जाता है एम्ब्रियो के पास, और एम्ब्रियो का जो वेस्ट है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही मदर्स ब्लड में रिटर्न करता है। सो प्लेसेंटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। ठीक है, सो अभी देखो, अभी हमने ये सब तो पढ़ा कि भाई कि हाउ इज बेबी बॉर्न। ठीक है, हमने भाई पढ़ा कि बेबी का बॉर्न कैसे होता है, पर अब देखो ये एग हर महीने ओवरी रिलीज करती है, हर महीने ओवरी एक एग रिलीज करती है जो कि वो ओविडक्ट पे आके प्लेस होता है, मतलब ओविडक्ट पे वो एग आता है, फैलोपियन ट्यूब पे आता है। अब जरूरी थोड़ी नहीं है हर महीने एक स्पर्म आएगा उसके साथ फ्यूज होगा और फिर जायगॉट फॉर्म होगा, ऐसा थोड़ी नहीं होना है। ठीक है, वो पॉपुलेशन कहाँ पहुंच जाएगी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। सो देखो अगर फिर स्पर्म मतलब स्पर्म नहीं आता है, सपोज स्पर्म नहीं आ रहा है फैलोपियन ट्यूब में या उस साइड स्पर्म नहीं आ रहा, मतलब स्पर्म नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये जो एग है वो एग तो अनफर्टिलाइज रह जाएगा। वैसे क्या था, वो एग फर्टिलाइज होना था, मतलब उसको स्पर्म आके मिलना था फैलोपियन ट्यूब पे और वो जायगॉट बन जाना था, पर एग तो फर्टिलाइज ही नहीं हुआ। ठीक है, क्यों? और एग एक ही दिन रहता है, मतलब ओवरी जब एग रिलीज करती है वो एक ही दिन के लिए फैलोपियन ट्यूब पे रहता है, उसे ओव्यूलेशन पीरियड कहते हैं। आपकी बुक में इतना ज्यादा नहीं दिया हुआ है, पर आप इतना समझ लो कि ओवरी जो एग रिलीज करती है वो एक ही दिन के लिए रहता है। ठीक है, वो फैलोपियन ट्यूब पे रहता है, वो वेट करता है फर्टिलाइजेशन होने का, भाई कोई स्पर्म आए मुझे फर्टिलाइज करे, मतलब वो तैयारी ऐसे यूट्रस की तैयारी ऐसे ही होती है कि भाई भाई पोषण देना है, एम्ब्रियो होना है, ऐसा तैयारी ऐसी होती है यूट्रस की, अपनी तैयारी करके रखता है कि यूट्रस सोचता है भाई मेरे वॉल पे अभी आएगा एक एम्ब्रियो और अभी भाई प्लेसेंटा अब पोषण देगा उसको और वहां से वेस्ट आएगा। यूट्रस अपनी पूरी तैयारी रखता है, तो यूट्रस अपनी वॉल एकदम थिक कर लेता है और वो पूरी तैयारी रखता है अपनी, हर महीने यूट्रस खुद को तैयार करता है। पर अब आप देखो एग तो फर्टिलाइज ही नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि स्पर्म नहीं आ रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो रहा है, स्पर्म नहीं आ रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। सो अब क्या होगा, ये जो एग है वो क्या रह जाएगा, अनफर्टिलाइज्ड। सो अब हम देखते हैं तो क्या होगा, अगर एग अनफर्टिलाइज्ड होगा तो क्या होगा, तो होगा मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन एवरी मंथ गर्ल्स एक्सपीरियंस करती हैं 12 टू 13 ईयर्स से लेके 45 तक ये चलता है लेडीज में। सो कैसे होता है वो, क्यों होता है, सो देखिए यहाँ पे व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड और मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इट लिव्स फॉर अबाउट 1 डे, मैंने अभी अभी आपसे बात की
यहाँ एग आया, यहाँ एग आके बैठा और पूरा एक दिन उसने वेट किया। वो एक दिन, एग की लाइफ एक दिन होती है, स्पर्म की लाइफ 4 से 5 दिन होती है। स्पर्म 4 से 5 दिन रहता है और एग की लाइफ होती है 1 डे। ठीक है, सो इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज इट लिव्स फॉर अबाउट 1 डे। सिंस द ओवरी रिलीजेस 1 एग एवरी मंथ, द यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। अब ओवरी क्योंकि हर महीने एक एग रिलीज करती है और हर महीने यूट्रस खुद को तैयार करता है कि अब मेरे पे एक फर्टिलाइज्ड एग आएगा, एक एग फर्टिलाइज होके मेरे पे आएगा। ठीक है, सो यूट्रस ने खुद को तैयार रखा और ओवरी ने एग रिलीज किया। अब does its lining becomes thick and spongy, this would be required for nourishing the embryo, fertilization had taken place। अब यूट्रस खुद को कैसे तैयार करता है, यूट्रस खुद की लाइन थिक कर लेता है, स्पॉन्जी बना देता है खुद को कि भाई ऊपर से एग फर्टिलाइज होके अब मेरे पास आएगा और मेरे पे आके प्लेस होगा, इतनी तैयारी रखता है। पर स्पर्म तो आया ही नहीं, ठीक है, स्पर्म तो आया ही नहीं, तो एग फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, तो अब क्या होगा, एग तो फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, उसकी लाइफ एक दिन थी तो स्पर्म आया नहीं, वो फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, फिर क्या होगा। सो दिस लाइनिंग इज नॉट इमीडिएट एनी लॉन्गर, क्योंकि यहाँ कुछ आया ही नहीं, इसकी थिक लाइनिंग पे, इसकी स्पॉन्जी लाइनिंग पे कोई एम्ब्रियो आया ही नहीं, तो अब इसकी जरूरत ही नहीं है। उसने थिक लाइनिंग क्यों रखी थी, उसने थिक लाइनिंग रखी थी कि एम्ब्रियो आके बैठे मेरे पे, वो तो आया ही नहीं। फिर सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम आउट थ्रू वेजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। सो ये जो लाइन है, वो ब्रेक हो जाती है, यूट्रस की जो लाइनिंग है जिसने खुद को तैयार किया था कि भाई मेरे पे आके एम्ब्रियो बैठेगा, तो वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है और ब्रेक होके एंड कम्स आउट थ्रू द वेजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। और ब्रेक होके ब्लड और वेजाइना, ब्लड और म्यूकस चिकास, ठीक है, ब्लड और चिकास के रूप में वेजाइना से बाहर निकल आती है। सो दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ एंड इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। और ये साइकिल, ये हर महीने होता है, हर 28 दिन में एक्सपीरियंस करती हैं लेडीज एंड इसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days, वेरी करता है ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल, औरतों में 2 से 8 दिन तक रहती है, ये जो ब्लीडिंग है वो 2 से 8 दिन तक रहती है। सो मतलब एग की लाइफ 1 डे होती है, सो एग को कोई फर्टिलाइज करने स्पर्म नहीं आता है तो उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, वो एग वहीं खत्म हो जाता है, वो फर्टिलाइज, अगर फर्टिलाइज होता तो वो आगे आता। स्पर्म की भी लाइफ 4-5 दिन रहती है, ठीक है, सो स्पर्म की भी लाइफ होती है, एग की भी लाइफ होती है, एग को कोई आता नहीं है, एग की लाइफ पूरी, सो यूट्रस वेट कर करके फिर फट जाता है, ठीक है, रप्चर हो जाता है और वो उसमें से ब्लड और सारा म्यूकस वो वजाइना से बाहर निकलता है, उसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। सो हर महीने ये होता है, ठीक है, सो जब तक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है, ठीक है, मेल फीमेल का सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो रहा है, मतलब जब तक अनमैरिड है गर्ल, सो ये हर महीने ये एक्सपीरियंस करेगी मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। सो अगर इवन मैरिज के बाद भी, सो ये एग फर्टिलाइज करना है कि नहीं, वो क्योंकि ये वाला जो ये प्रोसेस है, ठीक है, ये प्रोसेस है, ये आप देखोगे ज्यादा भार फीमेल बॉडी पे है, ठीक है, फीमेल को ये जो फीमेल को जायगॉट से, एम्ब्रियो से, फीटस से बेबी किसको कैरी करना है, यूट्रस पे फीमेल कर रही है, ठीक है, फीमेल वॉर्म पे सब कैरी कर रही है, सो फीमेल के शरीर से खून और ये सब जा रहा है बेबी को, तो मतलब आप देख सकते हो कि फीमेल पे बहुत भार है इस प्रोसेस में। सो ये एक जो कपल है, ठीक है, जो हस्बैंड वाइफ है, ये उन पे डिपेंड करता है कि वो रेडी हैं कि नहीं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ठीक है, वो भाई ऑर्गेनिज्म उनको रिप्रोड्यूस करना है कि नहीं, वो कम्प्लीटली उस कपल का डिसीशन है, ठीक है, कि भाई क्यों, कि उसमें उनको हेल्थ भी देखनी है फीमेल की और उनके पास फाइनेंशियल प्लानिंग है कि भाई बेबी आएगा, क्योंकि सिर्फ बेबी लाना नहीं है, उसको बड़ा करना है, उसको एजुकेशन देनी है, सो बहुत सारी चीजें होती हैं। सो ये कम्प्लीटली उस कपल पे है, सो इसीलिए और भाई बाकी बीमारियां भी होती हैं भाई, अगर एज कम है लेडी की तो क्या होगा, बढ़ जाएगी, बढ़ती एज में अगर कर रही है तो क्या होगा, मेंटली तैयार है कि नहीं, वो सब कुछ देखना पड़ता है। सो ये आप कल पढ़ोगे, कल वाले टॉपिक में, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, कि भाई
अगर भाई बेबी आ जाता है तो क्या करना है, नहीं लाना है तो क्या करना है, ठीक है. सो वी विल रीड दैट टॉपिक टुमारो. आज के लिए हमने क्या पढ़ा, आज हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, हमने पढ़ा कि भाई ऑर्गेनिज्म बनता कैसे है फाइनली, और हमने फिर मेंस्ट्रुएशन भी कवर किया. सो आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे ओवरी का फंक्शन, इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा, और फिर लास्ट में ये इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज सो यूट्रस क्या करता है, सो मेंस्ट्रुएशन, ठीक है. सो हियर बाय आई एम एंडिंग माय टुडेज लेक्चर. जस्ट गो थ्रू द होल लेक्चर, काफी चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है. ऐसे आ जाता है कि वेयर इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, लेबल इट, ड्रॉ एंड लेबल इट. सो पहले ड्रॉ करोगे, सो लेबल कहाँ है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फैलोपियन ट्यूब, ओविडम. सो वेयर इज ओवन फॉर्म्ड, लेबल इट, सो ओवरी, ठीक है. सो वेयर डू यूट्रस, वेयर डू फैलोपियन ट्यूब मीट, सो सर्विक्स, लेबल इट, ठीक है. ऐसे बहुत कुछ आ सकता है. सो ये सब डिटेल में पढ़ना, अच्छे से जो टॉपिक समझाए गो थ्रू इट, हो सके तो याद करते जाना, ठीक है. विल बी गुड फॉर यू ओनली, एंड ड्रॉ द डायग्राम प्रॉपरली, डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप. चलें, थैंक यू.